हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। एक जिम का चार्जर है, ये एक मैकेनिक भाई के पास से आया हुआ है। वो ये एक जिम चार्जर का टेक्नीशियन नहीं था, वो रेडियो, होम थिएटर ये सब रिपेयरिंग करने वाला था। तो इसमें दिक्कत बहुत ही था, छोटा छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो इसमें क्या हो रही थी, चार्जिंग ऑन नहीं हो रही थी। ऑन हो रही थी तो एक दो सेकंड के लिए कभी कभी ऑन हो रही थी, फिर बंद हो जा रही थी। तो हमने देखा पहला स्टेप में, ये जो 3525 आईसी है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही थी। तो उस हमने यहाँ पर देखा इस ट्रांजिस्टर के यहाँ पर इस पिन में 12 वोल्ट नहीं आ रही थी। तो हमने जम्पर लगाया, जम्पर लगाने के बाद अब देखा क्या हुआ, ये जो TL431 है इसमें 12 वोल्ट तो बन रही है लेकिन यहाँ पर 2.1 वोल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रही थी। तो हमने TL431 को चेंज किया, चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। उसके बाद देखा यहाँ पे एक जम्पर रहती है, ठीक है, ये जम्पर रहती है। इस जम्पर को वो टेक्नीशियन भाई ने उखड़ दिए थे इसलिए नहीं आ रही थी। तो हमने इस जम्पर को लगाया, जम्पर को लगाने के बाद सेम प्रॉब्लम ही आ रही थी। तो हमने क्या किया, तो हमने देखा यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर रहती है, ठीक है, ये जो गेट ड्राइव ट्रांजिस्टर रहती है, ये गेट ड्राइव ट्रांजिस्टर क्या हुआ, जंग लग गया था। जंग लगने के कारण टूट गया था, अंदर से पता नहीं चल रही थी। तो हमने ट्वीजर के मदद से हल्का हिलाया तो ये टूट के बाहर आ गई। तो हमने इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन इसका क्या, एम्पियर बहुत ज़्यादा आ रही थी। 12 एम्पियर का चार्जर है, 14 एम्पियर दे रही थी। अभी चार्जर तो सही हो गई है, चल रही है, आप देख सकते हो। अब देख सकते हो हमने सीरीज पे लाइन दे दिया है चार्जर। ठीक है, चार्जर भी चालू हो गया, पंखा भी चलने लगा, सीरीज लंबी लोड ले लिया है। चार्जर का जो भी प्रॉब्लम था हमने वो ठीक कर दिया। इस प्रॉब्लम को पकड़ने में बहुत ही टाइम लग गया था, मेरा 4-4 घंटा चल गया था इस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए। अभी सब कुछ सही है, ये सीरीज लाइन में है इसलिए 30% ब्लिंक कर रही है, देख सकते हो। चार्जर भी लोड ले लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा इस प्रॉब्लम का बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ। जब भी आपके पास चार्जर आए और ऐसे हो, ऐसे प्रॉब्लम हो, चार्जिंग ले रहे छोड़ रहे और चार्जिंग ऑन नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को 3525 आईसी के पिन पे ड्राइव वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। ड्राइव वोल्टेज अगर आ रही है आपका 3.2 वोल्ट या 4 वोल्ट ऐसा कुछ, ड्राइव गेट ड्राइव वोल्ट देगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देगी, तो वोल्टेज आ रही है तो आपको इस सब सेक्शन को छेड़खानी मत करिए, ठीक है, छेड़खानी ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको इसके इस साइड में, इस साइड का सेक्शन चेक कीजिए, यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स खराब हो गई उसके कारण हो सकती है। ज़्यादातर ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये खराब होती है और बहुत ही कम है ड्राइवर ट्रांसफार्मर खराब होती है, ठीक है। और इस साइड में कुछ खराब होगी, जीनार या रेजिस्टेंस, तो आपका मॉसफेट को शॉर्ट कर देगा। इसलिए इस साइड को मॉसफेट सही है तो इस साइड को नहीं छेड़खानी करना है, आप सिर्फ इस ट्रांजिस्टर या पीएफ वगैरह है और इस साइड का कॉइल को चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।